तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि हम वेटनरी कर तो रहे, तो उसके बाद जॉब की सिक्योरिटी क्या है, क्या जॉब मिलने की क्या चांसेस है हमारे पास, और गवर्नमेंट जॉब लगने के कितने चांसेस है, और प्राइवेट में क्या स्कोप है, और किस तरीके से हमको जॉब की गारंटी रहती है या फिर नहीं रहती है, और मास्टर डिग्री करनी पड़ती है क्या जॉब जॉब लेने के लिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मेन क्वेश्चन है जो कि आपको पहले देख लेना चाहिए वेटनरी कोर्स करने से पहले। तो आपको इस वीडियो में यही डिस्कस करूँगा कि आपको क्या स्कोप है और कहाँ कहाँ पर आपको जॉब लग सकती है और क्या रहती है जॉब की गारंटी। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि BVSC जो है, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, टोटल तो 3-4 स्लाइड है, ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको मैं बताता हूँ और आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनना है, अगर आपको इस फील्ड में आना है तो बिल्कुल आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। तो BVSC जो है ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि एक्चुअली में आपको जॉब की गारंटी काफ़ी हद तक रहती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की अगर अपन बात करें। आपको बता दूं कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं वेटनरी मेडिसिन में, वो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी इंस्टीट्यूट्स, डेयरी फार्म में, कॉरपोरेट मिल्क फेडरेशन जैसे कि अमूल का आपने नाम सुना होगा, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं, हैचरीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मतलब जो दवाइयाँ बनाती है, जो बेसिकली जो दवाइयाँ बनती है ना वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, वेटनरी पॉलीक्लिनिक्स, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर जो उसका खाना बनता है, फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये अपना एक पहला मतलब आपको कहाँ कहाँ पर जॉब लग सकती है। दूसरा बताता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या वैकेंसीज है। गवर्नमेंट सेक्टर है वैकेंसीज इन द नेम ऑफ वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। आपको पता है कि हर एक स्टेट में आपका जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेटनरी डॉक्टर होता है, तो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की जो पोस्ट निकलती है, बट देर आर एनी आर द वैकेंसी आर नॉट फिल्ड ऑन द रेगुलर बेसिस। बट यहाँ पर आपको एक ड्रॉबैक भी है कि आपको जो बिल्कुल वहाँ पर जो आपको, बट वही बात है कि जो रेगुलरली विद जो वैकेंसीज है वो आती ही नहीं है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है काफ़ी सारे स्टेट में रेगुलरली नहीं आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको अगर आपने एक बार बैचलर डिग्री कोर्स कर लिया है, बैचलर आपने कोर्स कर लिया वेटनरी का, तो इसके बाद आपको यहाँ पर MBA या फिर MBSC आप कर सकते हैं, जो मास्टर्स का जो कोर्स होता है, ये करने के बाद आपका जो स्कोप है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी कंपनी में जाकर के अच्छा खासा एक पैकेज ले सकते हैं। तो आपको मास्टर्स या MBA कर लेना चाहिए BVSC के बाद। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप जो है ज्वाइन वेटनरी इफ़ यू हैव पेशेंस। आपको सबसे पहले क्या रखना है, पेशेंस, पेशेंस और उसके साथ साथ पैशन भी आपको चाहिए टुवर्ड्स एनिमल इफ़ यू आर हैविंग रिसर्च माइंड, इट इज़ अ गुड फील्ड। आपको पता है कि इसमें रिसर्च की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पेशेंस आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 6 साल का डिग्री कोर्स होता है, उसके बाद 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स होता है, उसके बाद 3 साल की PhD होती है। तो अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आपको इतना तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा रिसर्च। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको इतना पढ़ाई करनी पड़ेगी PhD तक। मैनी ऑफ देम विल ज्वाइन वेटनरी इन इंडिया बिकॉज दे डोंट गेट अ सीट इन MBBS। आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं वेटनरी को बिकॉज उनको MBBS में एडमिशन नहीं मिलता, और यही काफ़ी बड़ा एक रीज़न होता है वेटनरी को ज्वाइन करने का। बट मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़, मैं मानता हूँ कि ये सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है आपका MBBS के बाद, वेटनरी जो है काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको वहाँ पर सिर्फ बहुत ही जल्दी पैसे मिल जाएंगे, 5 साल का कोर्स करेंगे और डायरेक्टली आपको 1 लाख की सैलरी मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर आपने बैचलर डिग्री कोर्स करा है उसके बाद भी आपको 3 से 4 साल या फिर 5 साल भी लग सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बिल्कुल ये आज की रियलिटी है। एडिशनली गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं अगर आप डिग्री ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आपको रेगुलरली जो अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप्स होती है, वॉलंटियर वर्क होता है, और आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे भी मतलब जो प्राइवेट कंपनी जो है वो ये भी देखती है कि आपने कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है आपकी जो डिग्री है उसके दौरान, आपने कौन से वॉलंटियर वर्क करे, कहाँ पर जाकर के आपने वैक्सीनेशन कैंप्स में आप गए, या फिर कौन सी आपने कॉन्फ्रेंसेस या फिर कौन कौन सी आपने मीटिंग्स अटेंड करी है। तो आपको ये सब कुछ, आपको एक तरीके से पूरा फील्ड में एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप किसी भी तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द स्कोप ऑफ वेटनरी इन इंडिया। आपको बता दूं कि एक बहुत ही अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन है आप सभी लोग के लिए, जो भी लोग MBBS अगर नहीं मिला तो भी अगर करना चाह रहे, तो आपको बता दूं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और ख़ास करके अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है किसी भी तरीके का तो उससे आपकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपको पता है कि जो रिजर्वेशन है उसके थ्रू आपका सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी सीट्स भी ज़्यादा आती है, जो रिजर्वेशन की सीट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये ऐसा देखा गया कि रिजर्वेशन के थ्रू आपका चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें प्राइवेट में भी आप जा सकते हैं। प्राइवेट में आपको जनरली जाने के लिए मास्टर डिग्री कोर्स करना पड़ेगा, 2 साल का होता है वो, वेटनरी करने के बाद 2 साल का और एक्स्ट्रा कोर्स होता है, तो वो अब भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए ओपन हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आप इसी तरीके के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट हो दूसरा तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।